शिमला हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह है और इसे और खूबसूरत बनाता है यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग्स, जिसे आज भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। अक्सर कोई जब भी हिमाचल का रोड ट्रिप प्लान करता है तो दो जगहों को वो कभी मिस नहीं करता, वो है शिमला और मनाली। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी जगहें बताएंगे जो शिमला के आसपास हैं और आपको अपने नेक्स्ट शिमला ट्रिप में जरूर विजिट करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। सबसे पहली जगह जिसे आप अपने शिमला ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल नालदेहरा। नालदेहरा शिमला से लगभग 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये शिमला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्स है, जिसे बनवाया था लॉर्ड कर्जन ने। ब्रिटिश इंडिया के वॉइसराय लॉर्ड कर्जन को इस जगह ने स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों की याद दिला दी थी और उस जगह से इतने इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का दूसरा नाम नालदेहरा रख दिया। गोल्फ कोर्स के अलावा आपको यहाँ देखने को ब्यूटीफुल लॉग हट्स भी मिलेंगे, जिनको हिमाचल प्रदेश टूरिज्म मेंटेन करता है और जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो अगर आप भी नेक्स्ट टाइम शिमला का रोड ट्रिप प्लान करें तो नालदेहरा को अपनी विश लिस्ट में जरूर डाल लें। दूसरी सबसे खूबसूरत जगह जिसे आप शिमला आने पे कभी मिस नहीं कर सकते वो है शिमला का द ब्यूटीफुल जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल पे सिचुएटेड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 8000 फीट के आसपास है। जाखू टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से आपको शिमला टाउन के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी, जो इस जगह में चार चांद लगा देती है। जाखू टेम्पल तक पहुँचने के लिए आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे इजी ऑप्शन चाहिए तो आप मॉल रोड से वॉकिंग करके भी यहाँ आ सकते हैं। और एक और तरीका यहाँ आने का ये है कि यहाँ पे आपको केबल कार्स भी मिल जाती हैं, जिनका पर पर्सन किराया 250 से 300 के आसपास वेरी करता है। तो अगली बार आप कभी भी शिमला आएं तो इस जगह को कभी भी अपनी विशलिस्ट से मिस ना करें। तीसरी सबसे खूबसूरत जगह जिसे आप अपने नेक्स्ट शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है द फेमस टाउन ऑफ कुफरी। कुफरी शिमला से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल जू और एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट के लिए, जहाँ पे आप अपने लव्ड वन के लिए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और सोविनियर ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुफरी में मजा ले सकते हैं ब्यूटीफुल हॉर्स राइडिंग का। और अगर आप शिमला की हसल बसल से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो कुफरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट रिजॉर्ट्स और होटल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बैठ के आप हफ्तों वर्क फ्रॉम होम या फिर अपना मन को शांति दे सकते हैं। अगली जगह जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल रिज, जिसे शिमला का दिल भी कहा जाता है। रिज एक बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस रोड है जहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो अगर आप भी यहाँ का ट्रिप प्लान करें तो आप इस जगह को रख सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल इवनिंग वॉक्स के लिए, और साथ ही यहाँ का सनसेट बहुत ही परफेक्ट होता है, तो उसे तो कभी भी मिस मत करिएगा। रिज को एक्सप्लोर करने के बाद आप स्कैंडल पॉइंट होते हुए यहाँ की सेकेंड फेमस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो है द फेमस माल रोड। शिमला के माल रोड को शिमला की शॉपिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर टॉप ब्रांड के आपको शोरूम्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे है शिमला के फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स, तो अगर आप है खाने के दीवाने तो माल रोड भी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। और इसके अलावा आपको माल रोड पे देखने को मिलेगा द फेमस गेटी थिएटर, और इसके अलावा आपको माल रोड पे बहुत ही पुरानी हेरिटेज शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, जो ब्रिटिश एरा से आज भी वैसे ही चली आती आ रही हैं।
रिज और माल रोड को एक्सप्लोर करने के बाद एक हेरिटेज बिल्डिंग जिसे आप कभी भी शिमला में स्किप नहीं कर सकते वो है द ब्यूटीफुल क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया के दूसरे सबसे पुराने चर्चेज में से एक है और इसे बनाया गया था 1857 में नियो गोथिक स्टाइल में और ये आज भी भारत के सबसे खूबसूरत चर्चेज में से एक है। बाहर से एक्सप्लोर करने के अलावा आप इस चर्च को अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये चर्च जितना बाहर से खूबसूरत है ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। क्राइस्ट चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद एक और चर्च जिसे आप शिमला में कवर कर सकते हैं वो है सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला, जो आपको शिमला के डीसी रोड पे देखने को मिलेगा। इस चर्च को 1886 में बनवाया गया था और ये चर्च फ्रेंच गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है और इसके टाइम में इंडिया के वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, तो इस चर्च का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रिज और माल रोड के अलावा इन दो हेरिटेज चर्चेस को जरूर विजिट करें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो है द फेमस टाउन ऑफ चैत, जो शिमला से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। चैल वैसे तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में लाइक करता है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आ रहे हैं तो कंडा घाट पे आप कुफरी वाले रोड पे ड्राइव कर सकते हैं और वहीं पे आपको चैल देखने को मिलेगा। चैल फेमस है अपने चैल पैलेस के लिए, जिसे आपने थ्री इडियट्स मूवी में जरूर देखा होगा क्योंकि उस मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है और इसे बनवाया था राजा भूपेंद्र सिंह ने, जो उस टाइम पटियाला के राजा हुआ करते थे। और इसके अलावा चैल में आप काली का टिब्बा टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं, तो अगर अगली बार आप शिमला का रोड ट्रिप प्लान करें तो सबसे पहले आप चैल को विजिट करें और उसके बाद कुफरी होते हुए शिमला की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में विजिट कर सकते हैं वो द फेमस रिजॉर्ट टाउन ऑफ कसौली। कसौली से शिमला लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो अगर आप शिमला दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए प्लान कर रहे हैं तो चंडीगढ़ से सबसे पहली जगह जो आपको रास्ते में आएगी वो होगी कसौली और फिर कसौली से चैल होते हुए आप कुफरी से शिमला जा सकते हैं। कसौली एक परफेक्ट जगह है अगर आप एक पीसफुल लोकेशन अपनी वेकेशंस के लिए ढूंढ रहे हैं और साथ ही यहाँ पे आपको हेरिटेज चर्च और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है द फेमस मंकी पॉइंट, जहां से आपको पूरे चंडीगढ़ के नजारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने शिमला ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ मशोबरा, जो शिमला से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अगर आप शिमला के आसपास एक बहुत ही शांत और पीसफुल लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहां पे आप अपना काम या फिर वेकेशंस का मजा ले सकते हैं, तो मशोबरा आपके लिए परफेक्ट जगह होगी। तो दोस्तों, ये थी शिमला की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें आप अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और साथ ही आप नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हिमाचल की खूबसूरती को हम पूरी दुनिया में फैला सकें।